पनोरमा ग्रुप जो सोचता है वो करता है। यात्रा करे, सभी पॉलिटिकल पार्टी यात्रा करते हैं, लेकिन विपक्ष का भी जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे पर ध्यान रहना चाहिए। और जब बाढ़ आई तो विपक्ष के नेता गायब थे, अब अभी कह रहे हैं कि हम अपने लोग से मिलेंगे। जब बिहार में बाढ़ आई, कोई आपदा आती है तो विपक्ष के नेता फरार रहते हैं, बाहर देश से भी बाहर रहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर नेशन, मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कार्यकर्ता संवाद के दूसरे चरण के जो यात्रा है वो कल से शुरू करने वाले हैं, जिसको लेकर काफी सियासत हो रही है। और वहीं बात करें तो बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह ने साफ तौर पर कहा है कि जब बाढ़ बिहार में आता है तो वो विदेश में रहते हैं और जन सरकार के से उनका कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ अपने परिवार में सीमित है। पहले क्या कुछ करें लेसी सिंह, पहले सुन कि यात्रा करे, सभी पॉलिटिकल पार्टी यात्रा करते हैं, लेकिन विपक्ष का भी जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे पर ध्यान रहना चाहिए। और जब बाढ़ आई तो विपक्ष के नेता गायब थे, अब अभी कह रहे हैं कि हम अपने लोग से मिलेंगे। जब बिहार में बाढ़ आई, कोई आपदा आती है तो विपक्ष के नेता फरार रहते हैं, बाहर देश से भी बाहर रहते हैं। तो उन लोगों का तो एक ही मकसद है कि अपने लोगों से, अपने परिवार से में सीमित रहना, वही कर रहे हैं। गिरिराज सिंह भी हिंदुराज मान यात्रा कर रहे हैं, हिमाचल के क्षेत्रों में, आपको लगता नहीं कि इससे सामाजिक सौहार्द चले जाएगा? देखिए, बिहार में सामाजिक सौहार्द बरकरार है, पहले से भी बरकरार है 19 वर्षों में, और आगे भी बरकरार रहेगा। हिंदू स्वाभिमान यात्रा कर रहे हैं, देखिए ये तो निजी यात्रा है उनका, उनका कोई पार्टी का यात्रा नहीं, निजी यात्रा है, सब स्वतंत्र है अपना कार्यक्रम करने के लिए। लेकिन बिहार में सौहार्दपूर्ण वातावरण है और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, न भविष्य में रहेगी। आप सीमांचल की ओर से आती हैं, जिससे आपको लगता है कि मुसलमानों को मुंह चिढ़ाया जाएगा? नहीं, देखिए बिहार में 18-19 वर्षों से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में NDA की सरकार में, चाहे सीमावर्ती इलाका पूर्णिया प्रमंडल का इलाका हो या बिहार का कोई भी इलाका हो, कहीं भी सौहार्द बिगाड़ने नहीं दिया गया। जो लोग सौहार्द बिगाड़ने की प्रयास किए हैं उस पर कार्रवाई हुई है, इसलिए इससे इत्मीनान रहिए और बिहार की जनता इत्मीनान रहे कि हमारी सरकार में, NDA सरकार में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व वाली सरकार में कोई सौहार्द बिगड़ने वाला बिहार में नहीं है, ना आगे बिगड़ेगा। कोई कोशिश करेंगे तो कार्रवाई आगे होगी? नहीं, कोई कहाँ कोशिश कर रहे हैं, कोई तो कोशिश नहीं कर रहे हैं, ऐसा पहले इस तरह का हुआ है तो इस पर बहुत कार्रवाई। देखिए वहाँ NDA, हम लोग NDA के साथ चुनाव लड़ेंगे मजबूती के साथ, सीट का तो अलग मैटर है, वो तो हमारे नेतृत्व तय करेंगे बैठ के, सहमति बनेगी, लेकिन NDA के साथ हम लोग वहाँ भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनाव लड़ेंगे, NDA के साथ चुनाव लड़ेंगे। कितने सीटों पर जरूर लड़ेंगे ये तो अब नेतृत्व तय करेंगे। मैडम, बाबा सिद्दीकी की हत्या पर पप्पू यादव ने ट्वीट किया है कि अगर 24 घंटे के लिए कानून हमारे हाथ में दे दिया जाए तो उनको हम कहीं से भी घर, उन्हीं से पूछिए, उनका प्रश्न है तो उन्हीं का पूछिए, वो बोले हैं, उनका जवाब हम कैसे दें, कैसे कंट्रोल करेंगे, कैसे क्या करेंगे, नेटवर्क को ख़त्म करेंगे, तो वो न देंगे जवाब। तो आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह किस तरह से तेजस्वी यादव पर बरसते हुए दिख रहे हैं, और वहीं जिस तरह से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भी हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर निकलने वाले, उसको लेकर भी क्या कुछ कहा आपने सुना। इस तमाम खबर न्यूज़ फोर नेशन के साथ, नमस्कार।